हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। पितामह, अपने पोते की ओर से ये आपकी सेवा में मेरा सादर प्रणाम था, इसे स्वीकार कीजिए। हे धनंजय, हमने तुम्हारे अनोखे प्रणाम को स्वीकार किया। परंतु अब यदि मेरे बाण आपका अनादर करें तो मुझे क्षमा कीजिए। प्रिय पुत्र, युद्ध में शत्रु का आदर नहीं, उसका आखेट किया जाता है। तुमने संकोच होकर वार चलाओ। तुम कैसे योद्धा हो अर्जुन, जो तुम्हें युद्ध का पहला पाठ भी याद नहीं रहा? पहला प्रहार भरपूर होना चाहिए। देखो, सोच क्या रहे हो पार्थ? अपने शत्रु पर डट कर वार करो। ये क्या हो रहा है? सारथी, रथ वहां ले चलो। शाबाश, शाबाश अभिमन्यु। हे संजय, भीम की विजय गाथा तुम्हारे मुख से सुनकर मेरा मन बेचैन हो रहा है। भीम पागल हाथी की भांति कौरवों को अपने पैरों तले रौंद रहा है। कौरवों के वीर महावीर योद्धा क्या कर रहे हैं? क्या कोई भीम के पैरों में बेड़ियां नहीं डाल सकता? हे महाराज, रणभूमि पर तो घनघोर संग्राम चल रहा है। द्रोणाचार्य धृष्टद्युम्न के साथ युद्ध कर रहे हैं। युधिष्ठिर शैल से युद्ध कर रहे हैं। राजा भगदत्त विराट से युद्ध कर रहे हैं। राजा द्रुपद सिंधु नरेश जयद्रथ से लड़ रहे हैं। द्रौपदी के पांचों पुत्र सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, उलुपी पुत्र इरावान, ये सब भी कौरवों के साथ लड़ रहे हैं। द्रुपद पुत्र शिखंडी बालही के साथ युद्ध कर रहे हैं। और युवराज दुर्योधन? युवराज दुर्योधन पांडु पुत्र नकुल से लड़ रहे हैं। कौरव सेनापति पितामह भीष्म क्या कर रहे हैं? पितामह भीष्म ने तो पांडवों की सेना में हाहाकार मचा दिया है। पितामह को रोकने के लिए पार्थ सारथी वासुदेव श्री कृष्ण अर्जुन का रथ लेकर
उनके सामने आ गए हैं। अपने पोते की ओर से यह आपकी सेवा में मेरा सादर प्रणाम था, इसे स्वीकार कीजिए। हे धनंजय, हमने तुम्हारे अनोखे प्रणाम को स्वीकार किया। परंतु अब यदि मेरे बाण आपका अनादर करें तो मुझे क्षमा कीजिए। प्रिय पुत्र, युद्ध में शत्रु का आदर नहीं, उसका आखेट किया जाता है। तुम निसंकोच होकर बाण चलाओ। योद्धा हो अर्जुन, जो तुम्हें युद्ध का पहला पाठ भी याद नहीं रहा। पहला प्रहार भरपूर होना चाहिए। देखो, क्या रहे हो पार्थ, अपने शत्रु पर डट कर वार करो। शाबाश अभिमन्यु, तुम भी अपने पिता अर्जुन की तरह एक बहादुर योद्धा हो और धन और विद्या में प्रवीण हो। परंतु सावधान, अब मेरी बारी है।
लो, अब संभालो मेरा प्रहार। पहचाना मुझे, मैं द्रौपदी पुत्र शिखंडी हूँ। तुम्हें अपनी पहचान बताने की क्या आवश्यकता है शिखंडिनी? परंतु तुम युद्ध भूमि पर क्या कर रही हो? जाओ, मैं नारियों से युद्ध नहीं करता। मेरा नाम शिखंडिनी नहीं है, मैंने नारी के रूप में जन्म अवश्य लिया था, तब मेरा नाम शिखंडिनी था, पर अब मैं पुरुष बन गया हूँ। मेरा नाम अब शिखंडी है, वीर शिखंडी। पहले के जन्म में आपने न केवल मेरा दिल तोड़ा था, बल्कि मेरा जीवन भी नष्ट कर दिया था। याद है ना आपको कि मैं कुंवारी अंबा के रूप में जन्मा था, और मेरे उसी जन्म को नष्ट करने का बदला लेने के लिए मैंने फिर जन्म लिया है, और इस बार आपको मुझसे युद्ध करना होगा। मैं केवल पुरुषों से युद्ध करता हूँ, किसी निर्बल स्त्री पर हाथ नहीं उठाता। मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। मुझे निर्बल स्त्री समझकर आप भूल कर रहे हैं पितामह। इन हाथों में अब चूड़ियां नहीं है, लोहे के भारी शस्त्र उठाते हैं मेरे ये हाथ। मुझसे दो दो हाथ लड़कर देख लीजिए, आपका भ्रम टूट जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि मैं नर हूँ या नारी। तो तुम ऐसे नहीं मानोगी। जाओ बेटी जाओ, पहले अपना रथ ठीक कराओ, उसके बाद युद्ध करने की सोचना। चलो सारथी। युवराज उत्तर, तो तुम हो जो मेरे बाणों के तूफान के सामने पहाड़ बनकर खड़े होना चाहते हो? जी हाँ, मैं विराट नरेश का पुत्र उत्तर तुम्हारे बाणों के विनाशक तूफान को प्रतिबंधित करने आया हूँ। नादान बच्चे, तुझे इतना भी नहीं मालूम कि तूफान अपने सामने आने वाले बड़े बड़े पेड़ों और चट्टानों को भी एक तिनके की तरह हवा में उड़ाकर फेंक देता है। मुझे तिनका समझने की भूल ना करो महाराज शैल्य। युद्ध भूमि में योद्धा की आयु नहीं, उसका साहस, उसकी वीरता देखी जाती है। मैं तुम्हें युद्ध के लिए निमंत्रित करता हूँ, मुझसे युद्ध करो। युद्ध होश में आओ युवराज उत्तर, तुम मुझे नहीं अपनी मृत्यु को निमंत्रण दे रहे हो। इसका निर्णय तो युद्ध के बाद ही होगा। ठीक है, जब तुमने अपने जीवन की रेखा स्वयं अपने हाथों से काट दी है तो मैं क्या कर सकता हूं। सावधान। Ha 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 ha!